दोस्तों, इवेंट होराइजन ये ब्लैक होल की वो आउटर सरफेस है जहाँ पे शायद समय भी रुक जाता है। ब्लैक होल के सारे मिस्ट्रीज का सबसे बड़ा रीजन यही है। इसी इवेंट होराइजन की वजह से ब्लैक होल के अंदर छिपा हुआ सिंगुलैरिटी, जो कि परहैप्स बस एक मैथमेटिकल सिंगुलैरिटी एंड जनरल रिलेटिविटी के क्लासिकल थ्योरी होने की वजह से वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, को भी छुपाए बैठा है। इस इवेंट होराइजन की वजह से ही हम जो भी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें किसी दो तरह की फिजिकल इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जब कोई दो ऑब्जर्वर एक ब्लैक होल में फ्रीली फॉल कर रहा हो एंड दूसरा ब्लैक होल के बाहर खड़ा हो, तो दोनों का रियलिटी भी इसी इवेंट होराइजन की वजह से स्प्लिट हो जाता है। एक आउटसाइड ऑब्जर्वर, यानी कि हमारे और आपके लिए जो कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम सभी के मुताबिक कोई भी चीज़ ब्लैक होल को कभी भी क्रॉस नहीं करती, यानी कि उसके इवेंट होराइजन के बाहर ही हमेशा रहती है। बट जो चीज़ ब्लैक होल में फ्रीली फॉल कर रही है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाता है एंड उसे क्रॉस भी कर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है एंड क्या सच में वहाँ पर टाइम रुक जाता है, इन सवालों के जवाब को आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। एंड आज मैं आपको कुछ ऐसे क्लिप्स के बारे में भी बताऊंगा, कुछ ऐसे क्लिप्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चले कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस गलत फहमी में हैं एंड ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्र एंड वेलकम टू फिजिक्स फाइल। दोस्तों, इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो आउटर सरफेस है जिसे क्रॉस करने के बाद लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। हम यहाँ पे लाइट को सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसलिए देते हैं क्योंकि लाइट यूनिवर्स की सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली चीज है एंड अगर लाइट भी इसे एस्केप नहीं कर सकती है तो कोई भी चीज, चाहे वो कितना भी फास्ट ट्रैवल क्यों ना कर रहा हो, इस इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं कर सकता एंड इसके बाहर नहीं निकल सकता। बट दोस्तों, ब्लैक होल के ब्लैक होने का रीजन ये नहीं है, बिकॉज जस्ट इन केस अगर एक फोटोन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर एमिट होती है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की वजह से वो इतना ज़्यादा रेडशिफ्टेड हो जाएगा कि हमारी आंखें एंड मॉडर्न डिवाइसेज की वजह से डिटेक्टेबल भी नहीं रह पाएगा। एंड दैट इज द सोल रीज़न कि ब्लैक होल ब्लैक होता है, क्योंकि इसके आसपास इवेंट होराइजन के बाहर से भी इमिटेड फोटोन जो है इतना ज़्यादा रेडशिफ्टेड हो जाते हैं कि उसे कोई भी डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर पाती। दोस्तों, इस इवेंट होराइजन के बारे में ये बात कई बार हम सभी को बताया जाता है कि यहाँ पे समय रुक जाता है। जिसके विषय में कहा जाता था उस ब्लैक होल पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आता, उसमें काल रुक जाता है, स्ट्रांग होती है कि ब्लैक होल के अंदर समय भी रुक जाता है। एंड यू कुछ इस तरह के फॉर्मूले को दिखाकर कहा जाता है कि देखो, अगर तुम r = 2gm डालोगे तो यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि वहां पे समय रुक जाता है। बट हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो इसका मतलब है कि आपने ये अज्यूम कर रखा है कि कोई ऑब्जर्वर वो ब्लैक होल की इवेंट होराइजन पे स्टेशनरी रुका हुआ है। बट दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि इवेंट होराइजन पे कोई भी ऑब्जर्वर रेस्ट में नहीं रह सकता, बिकॉज अगर ऐसा है तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, जो कि रिलेटिविटी के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसका उल्लंघन करेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इस इक्वेशन का उस जगह पे यूज नहीं कर सकते हो। एंड ऐसा ही कुछ एडहॉक फॉर्मूले का यूज कुछ लोग करते हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि इवेंट होराइजन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है, एंड ये कुछ इस तरह के फॉर्मूले का यूज करते हैं। दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला भी ये बात को अज्यूम करती है कि वो ऑब्जर्वर रेस्ट में है एंड एज यूजुअल दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि कोई भी चीज इवेंट होराइजन पे स्टेशनरी नहीं रह सकती एंड इस वजह से इन दो फॉर्मूलेज का यूज करके आप किसी भी कंक्लूजन को ड्राइव करते हो वो पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट से कुछ न्यू सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।